हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश और आज मैं बात करने वाला हूँ TVS जुपिटर 125 के बारे में, जो कि ऑफिशियली जो है वो इंडिया के अंदर लॉन्च हो गई है। एंड मैं बात करने वाला हूँ जो TVS जुपिटर 125 है फ्रेंड्स, इसके अंदर में किस तरह के चेंजेस, फ्यूचर्स, स्पेसिफिकेशन, इनके इंजन ऑप्शन के साथ जो है हमें देखने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इंडिया के अंदर हमें इसकी टू ही ड्राइवर्स देखने को मिलती है, जो कि हमें होंडा की एक्टिवा 125 एंड सुजुकी की एक्सेस 125 जो है वो इसकी ड्राइवर होने वाली है। तो सबसे पहले बात करने वाला हूँ इसके प्राइसिंग के बारे में। तो फ्रेंड 73,400 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइसिंग के साथ जो है हमें देखने को मिलेगी। एंड इसके अंदर में टोटल 3 वेरिएंट्स जो है वो देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर हमें ड्रम ब्रेक विद स्टील व्हील्स, ड्रम ब्रेक विद एलॉय व्हील्स एंड डिस्क ब्रेक फ्रंट विद एलॉय व्हील्स, इस तरह से हमें टोटल 3 ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेंगे। फीचर्स के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड इसके अंदर हमें फुल LED हेडलैम्प, सिग्नेचर LED गाइड लाइट, स्टाइलिश टेल लैम्प के साथ हमें पिलियन ग्रेप रिफ्लेक्टर एंड इसके अंदर में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी जो है हमें देखने को मिलेगा, जिसके अंदर में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन जो है हमें देखने को मिलेगी, जिस तरह से हमें एवरेज फ्यूल कंजप्शन, रियल टाइम फ्यूल कंजप्शन, क्लॉक एंड और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलने वाली है। एंड इसके अंदर में 5 लीटर का फ्यूल टैंक भी देखने को मिलेगा। एंड इसके अंदर हमें सेगमेंट लीडिंग अंडर सीट स्टोरेज, जो कि हमें 32 लीटर का देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हम 2 हेलमेट जो है हमें इजीली जो है स्टोर कर सकते हैं। एंड अगर हम इसके अदर फीचर्स के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर में फ्रंट एक्सटर्नल फ्यूल फिल्टर कैप, फ्रंट ग्लो बॉक्स एंड USB चार्जर भी जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड अगर हम इसके इंजन ऑप्शन के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड इसके अंदर हमें 124.8 cc सिंगल सिलेंडर 2 वॉल्व इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि हमें 8.3 bhp के पावर के साथ एंड 10.5 nm टॉर्क के साथ जो इंजन ऑप्शन है वो हमें देखने को मिलने वाला है। एंड अगर हम इसके हार्डवेयर सेटअप के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड इसके फ्रंट में हमें टेलीस्कोपिक फ्रॉक्स एंड इसके रियर में हमें सेगमेंट फर्स्ट गैस चार्ज मोनोसॉक्स जो है हमें देखने को मिलेंगे। एंड अगर हम इसके ब्रेकिंग के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड इसके फ्रंट में हमें 220 mm की फ्रंट डिस्क एंड रियर में हमें 130 mm का ड्रम ब्रेक सेटअप जो है हमें देखने को मिलेगा। तो फिलहाल तो इसके अंदर इतने फीचर्स एंड चेंजेस जो हमें देखने को मिलते हैं, और भी अगर इसके बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी मैं अपने नया वीडियो लेके आऊँगा। एंड फ्रेंड इसी तरह से अगर आपको हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हो तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले हर ऑटोमेटिव वीडियोस के अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिले। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।